और पहला सवाल है कि 22 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 महामारी से जूझ रहे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अध्यादेश का उद्देश्य किस अधिनियम में संशोधन करना है? तो इस अध्यादेश का उद्देश्य जो है वो महामारी रोग अधिनियम 1997 में संशोधन करना है। दरअसल महामारी रोग अधिनियम 1897 पहले ही महामारी से संबंधित जो भी कानून होते हैं उसके लिए ये कानून बनाया गया था, जिसका नाम था महामारी रोग अधिनियम 1897। लेकिन कोविड-19 के चलते इसमें संशोधन किया गया, तो उस संशोधन के द्वारा जब संशोधन किया गया तो इसको कहा गया महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है। अब दूसरा बात यह है यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, उधर राज्यपाल के द्वारा स्टेट में जारी किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। बहुत ही क्या कहते हैं सरल अनुच्छेद है, आप नंबर से याद कर सकते हैं कि 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और नेक्स्ट है कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा करने या ऐसे कामों के लिए उकसाने पर कितनी अवधि तक के कैद की सज़ा और साथ ही में 50,000 रुपये से लेकर के 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए इस सवाल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अध्यादेश महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। ठीक है, यानी कि अगर उनके विरुद्ध कोई हिंसा की कार्रवाई करता है, जैसा कि अभी कोविड-19 के दरमियान में इंदौर जैसे शहरों में देखा गया था, तो वहाँ पर डॉक्टरों पर पत्थर फेंके जा रहे थे, कई जो है स्वास्थ्य कर्मियों को मारा भी गया था, तो इस प्रकार से उनके विरुद्ध अगर आप हिंसा करते हैं या ऐसे काम को उकसाने का ऐसे काम को करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को उकसाते हैं तो उसके लिए बकायदे 50,000 रुपये से लेकर के 2,00,000 रुपये तक का जुर्माना है। और प्लस जो है जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा का प्रावधान है 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। 3 महीने से लेकर के 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 महीने से लेकर के 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, और वहीं जो है वो 50,000 रुपये से लेकर के जो है 2,00,000 रुपये तक का जो है वो जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा, या कोई भी जो भी स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई करता है, हिंसात्मक कार्रवाई करता है। और अगला भी सवाल महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा से ही जुड़ा हुआ है। महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 के अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोट पहुंचाने पर 6 महीने से 7 वर्ष तक के कारावास की सज़ा और साथ में कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यानी कि अगर चोट पहुंचाते हैं तो 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सज़ा है, साथ ही में 1,00,000 रुपये से लेकर के 5,00,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। मार्च 2020 में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो ये लाया गया है प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963। बहुत महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी विधेयक 2019 को 65 वर्गों में कुल 72 बदलावों के साथ किस अधिनियम में संशोधन करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कंपनी का जो विधेयक आया है ये इसमें दूसरा संशोधन हुआ है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 में दूसरी बार संशोधन करके 65 वर्गों में 72 बदलाव के साथ जो है अधिनियम को मंजूर किया गया है, उसको पारित किया गया है। और दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ये महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अध्यादेश होता है, जो अधिनियम होता है, वो किसके द्वारा उसका क्या कहते हैं उसको जारी करने का प्रावधान क्या है। तो दरअसल अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और अधिनियम जो होता है जब कोई विधेयक राज्यसभा लोकसभा से पारित हो जाता है और जब वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं तो वह विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में वो बन जाता है अधिनियम, यानी कि वो बन जाता है कानून, जैसे कंपनी अधिनियम 2013 बनाया गया था। और नेक्स्ट है कि 5 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पेश किया। फिर से ध्यान देंगे, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक 2020 पेश किया। इस विधेयक में देश में कितनी राशि से जुड़े कर विवाद के मामलों के समाधान का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है
9.32 लाख करोड़ रुपए यानी कि 9,32,000 करोड़ रुपए के जो कर संबंधी विवाद होंगे उनके समाधान का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस संशोधन विधेयक के अंतर्गत सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी में स्थित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करने तथा उन्हें किस अधिनियम के तहत, सबसे महत्वपूर्ण बात जो सवाल का है कि उन्हें किस अधिनियम के तहत मौजूदा 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ साथ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये प्रावधान किया गया है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 के तहत। और अगला है कि होम्योपैथी की शिक्षा एवं प्रैक्टिस के नियमन केंद्रीय होम्योपैथिक रजिस्टर के रखरखाव तथा तत्संबंधी मामलों के संदर्भ में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन हेतु होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को किस अधिनियम की तर्ज पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956। अब देखिए यहाँ पर आप डेट को लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं कि 47 में तो देश आज़ाद हो गया तो इतनी जल्दी जो है 56 में किस प्रकार से इस तरीके का परिषद अधिनियम बन सकता है। तो नहीं, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 में बना था और उसी के तर्ज पर जो है 1973 का जो है होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 को बनाया गया था। और अगला है कि 29 जनवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस विधेयक के अंतर्गत गर्भपात कराने की सीमा को बढ़ा करके कितने सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है? तो अब इसको बढ़ा करके 24 सप्ताह कर दिया गया है। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टोटल 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए देशों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी यही सवाल बन सकता है कि कौन कौन से देश शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बी फॉर बांग्लादेश और ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, ठीक है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्या बन रहा है, बाप बन रहा है हिंदी में। तो ट्रिक के लिए, याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला है कि 11 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल विभाग ने अधिनियम 1934 में संशोधन करने हेतु विमान संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश करने हेतु मंजूरी प्रदान की। विमान संशोधन विधेयक 2019 के तहत मौजूदा जुर्माने की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ा करके कितना किया गया है? तो 10 लाख रुपए से बढ़ा करके अब उसको 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 पारित किया गया। यह विधेयक किस विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के तहत स्थापित सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू होगा? तो इसका उत्तर होगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005। और नेक्स्ट है कि 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा भारतीय संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 334 यानी कि 126वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनुच्छेद 334 है क्या, जिसके लिए संविधान संशोधन 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 जो है पारित किया गया। तो दरअसल अनुच्छेद 334 में प्रावधान किया गया था कि जो एंग्लो इंडियन समुदाय है प्लस जो एससी समुदाय है यानी कि अनुसूचित जाति जो है और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, इनके लिए आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी कब तक के लिए? 40 वर्षों के लिए स्टार्टिंग में ये व्यवस्था की गई थी। तो आरक्षण व विशेष प्रतिनिधित्व की ये जो व्यवस्था थी जिसमें एंग्लो इंडियन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 3 समुदाय के लोग ये शामिल थे, यह व्यवस्था जो है 25 एक 2020 को ख़त्म हो रही थी। तो इसलिए अनुच्छेद 334 में संशोधन करते हुए संविधान संशोधन 126वां लाया गया और इस संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि जब आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी जिसमें 3 समुदाय शामिल थे, उनकी आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की यह व्यवस्था को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए मैं आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अनुच्छेद 334 को अच्छी तरीके से समझ जाएँ कि इसमें प्रावधान क्या है, प्लस 126वां संविधान संशोधन जो है उसको भी समझ जाएँ कि इसके द्वारा क्या प्रोसेस किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है। उसके बाद में
पंजाब ने जो है इसका समर्थन भी किया था, इस बिल का, पंजाब विधानसभा ने। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल हम देखते हैं कि 10 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा आयुध संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक के तहत लाइसेंस की वैध अवधि को कितना कर दिया गया है? तो लाइसेंस की वैध अवधि को बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसी वीडियो, इस सवाल के साथ में ये वीडियो ख़त्म होता है। अब आगे के वीडियो में हम जो है ऑपरेशन तथा अभियान की बात करेंगे, उससे जुड़े हुए सारे प्रैक्टिस सेट के सवालों को देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, प्लस शेयर भी कर दीजिए ताकि कुछ और लोगों तक पहुँच सके।